तो ऑल राइट दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई हो बिल्कुल अच्छे होंगे दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप भी बिजली बिल अपने मोबाइल से जमा करना चाहते हैं, आपको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको बिजली ऑफिस जाना पड़ता है अपने बिजली बिल जमा करने के लिए, तो आप ये सब प्रॉब्लम से दूर हटना चाहते हैं, अगर आप अपने घर बैठे मोबाइल से जमा करना चाहते हैं वो भी आप ऑनलाइन, तो आप कैसे जमा कर सकते हैं? अगर आप फ़ोन पे चलाते हैं या गूगल पे चलाते हैं तो आप अपने घर बैठे मोबाइल से जमा कर सकते हैं, अपना घर का बिजली बिल या किसी का बिजली बिल जमा कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन से बिजली बिल जमा करना सिखाऊंगा कि आप कैसे जमा कर सकते हैं फ़ोन पे एप्लीकेशन से अपना बिजली बिल। तो चलिए आके वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करते अपने भाई का नाम डालिए, मेरा नाम दीपक कुमार, आप देख पाए इंटरेस्ट चैनल मैचिंग ऐप टाइप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने मोबाइल में फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ओपन कर आपके सामने कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको अपने अपना बिजली बिल जमा करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे पहले मोबाइल रिचार्ज डीटीएच इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे बिजली बिल इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे जमा करना है बिजली बिल। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डर्स इन मध्य प्रदेश, आपको अपने बिजली बिल एरिया का आपको बिल्डर्स नेम आपको पता कर लेना है। आपको आपको नहीं पता है तो अपने दोस्त या कि जिस जो भी ऑनलाइन भरते होंगे बिजली बिल, आप वहां से पता कर सकते हैं अपने एरिया का बिल्डर्स नेम। आपको चलिए मैं आपको यहां पे मैं अपने एरिया का बिल्डर्स नेम यहां पे देख लेता हूं कहां पे। आप देख सकते हैं यहां पे बिल्डर्स नेम इतने दिए हैं। आप यहाँ से अपने एरिया का पता करके आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है अपने एरिया वाले बिल्डर्स नेम। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। देख सकते हैं मेरे एरिया का यहाँ पे VMP पुट केस्टर जबलपुर रूलर है। मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंज्यूमर नंबर या IVRS नंबर यहाँ पे डालने को बोल रहा है। आपको आपके बिजली बिल के अगर मैसेज आता है तो उस पर कंज्यूमर नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पे जो आप बिजली बिल आती है तो आपको सिंपली वहाँ पे कंज्यूमर नंबर आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पे अपना कंज्यूमर नंबर आपके ID यहाँ पे डाल लेना है। चलिए मैं आपको अपना डाल लेता हूँ यहाँ पे कंज्यूमर ID। आपको अपना कंज्यूमर नंबर ID डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर नंबर आपको दिख जाएगा, नेम दिख जाएगा, यहाँ से आपके कितना बिजली बिल है आपको यहाँ पे शो होने लगा। देख सकते हैं मेरे बिजली बिल इतना है, मैं इस बिजली बिल को यहाँ से जमा कर देता हूँ। आपको सिंपली जमा करने के लिए बिजली बिल आपको देख सकते हैं यहाँ पे नीचे प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, आपको यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको सिंपली यहाँ पे अपना UPI ID डाल लेना है, आपको पे कर देना है। देख सकते हैं प्रोसेसिंग पेमेंट किया आ रहा है अभी। यहाँ पे मेरे मोबाइल बैलेंस कट चुका है, मेरा बिजली बिल यहाँ पे जमा हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे योर MP4 किस तरह जबलपुर एक तो मेरा बिजली बिल सक्सेसफुली पेड हो चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हैं आप ऐसे बिजली बिल अपना जमा कर सकते हैं फ़ोन पे एप्लीकेशन से। आई होप दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी जानकारी में तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बगल बेल आइकन बिल्कुल, जिससे हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज वीडियो पसंद आए, मिलते हैं किसी नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।